हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन के बी एंड के सी। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक जनरल रिएक्शन, ए प्लस बी बी हमें दे रहे हैं डी डी प्लस ई। ठीक है, अब इस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा फॉर दिस रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन के सी कैन बी रिटन एज, जब मैंने आपको लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ाया था तो मैंने के सी किसके बराबर करवाया था, ये वाला ऊपर था ये वाला नीचे था ऐसा कुछ था। लेकिन अब इस केस में क्या है, ये प्रोडक्ट ठीक है अपॉन रिएक्टेंट का, और ये केसी क्या है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब केसी जो है ये अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन से लिखी। अब केसी इज़ इक्वल टू, देखो अब हमने कंसंट्रेशन के टर्म में इसको लिखा तो सी सी सबके लिए लगा दिया, सी 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 डी सी ई सी ए सी बी एक्सेट्रा, वेयर सी ए सी बी सी डी आर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है ए बी डी ई रिस्पेक्टिवली। अब इफ़ अगर हम ए बी और डी ई गैसेस हैं देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर कैन बी रिटन एज, तो सी की जगह पी लगा देंगे ना, पहले कंसंट्रेशन के टर्म में था प्रेशर, तो प्रेशर क्या सी की जगह पी लगाएंगे, तो वैसे सी की जगह सबकी जगह पी लगाया बाकी पूरा सेम। अब इफ़ द गैसेस आर आइडियल, तो आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर डी। ठीक है, और इसी को हमने रीअरेंज करके लिखा पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी और सी आर टी। ठीक है, कंसंट्रेशन के टर्म में कर रहे हैं तो पी की जगह सी ए की लिखा तो सी आर टी इज इक्वल टू सी आर आर सी आर टी। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, ये पी इज इक्वल टू एन बाई वी जो था वो सी के बराबर हो गया आर टी, तो ये चीज़ बिकॉज एन बाई वी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब आगे देखो, अब हर एक रिएक्टेंट को हम कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन सी कैन बी रिटन, कैसे देखो पी ए इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, जहाँ पर पी ए जो था वो एन बाई वी आर टी की जगह एन बाई वी की जगह लिख दिया सी ए, यहाँ पर देखो पी इज इक्वल टू एन बाई वी की जगह सी, और जो भी होगा ए रिएक्टेंट होगा बी होगा प्रोडक्ट होगा सी होगा डी वही लिखेंगे हम, तो सी आर टी पी बी इज इक्वल टू सी बी आर टी पी डी इज इक्वल टू सी डी आर टी और पी ई इज इक्वल टू सी ई आर टी। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन टू, अब इक्वेशन टू यहाँ पर हमने कौन सी ली है, ये वाली ले लो इक्वेशन नंबर टू, इसको मान लो इक्वेशन नंबर टू के पी इज इक्वल टू। ठीक है, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर टू और आर के सी इज इक्वल टू, हाँ इसको मान लो इक्वेशन नंबर वन, तो इस वाली इक्वेशन में हम डालेंगे सी ए इज इक्वल टू आर टी सी पी ए इज इक्वल टू सी ए आर टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर पी डी की जगह जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जैसे सी डी आएगी ना, और पी ई की जगह सी ई और आगे आर टी लगेगा ऐसे ही। तो चलो चलते हैं हम आगे, फिर देखो यहाँ पर देखो सी डी आर टी। ठीक है, ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका डी और ई सी ई आर टी सी ए आर टी और सी बी आर टी वैसे वैसे का वैसा। अब ये जो सी डी ये आर टी कॉमन ले लिया ऊपर भी और नीचे भी, तो ये वाली एक साइड कर दी और आर टी और इसके ऊपर ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू अपॉन दिस इन दोनों, ये वाला दोनों को आर टी एक ले लिया और इस इसको ये वाला लिख दिया डी प्लस ई माइनस ए प्लस बी, तो ये डी प्लस ई माइनस ए प्लस ई डेल्टा एन के बराबर है, तो आर टी की जगह यहाँ पर डेल्टा एन लगा दिया। अब देखो के पी इज इक्वल टू इन सब को हमने क्या लिया था, के सी है ना, ये हमारे पास के सी है कंसंट्रेशन के टर्म में, तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, तो ये था हमारे पास रिलेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।